ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये है प्रीवियस सेल। एक काम करते हैं, इसको हम पूरा हटा देते हैं, या शायद आपको समझ में आ जाए। इसमें दो चीजें हैं, एक सीरियल नंबर है, एक प्रीवियस सेल मतलब बीते हुए कल का सेल, और ये टुडे सेल मतलब आज का सेल। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि प्रीवियस सेल हम कर देते हैं जीरो, यानी आज हम शॉप खोल रहे हैं, आज हम दुकान खोल रहे हैं, तो पिछले कल का तो कोई सेल नहीं होगा, नहीं ना होगा, जीरो कर दिया। ठीक है, अच्छा इसको हम सम करा देते हैं, इक्वल टू एस यू एम ब्रैकेट ओपन, यहां से सम करा दिया, नहीं ये टोटल हो गया, यहां पे कोई दिक्कत नहीं ना, और ब्रैकेट क्लोज, और इसी को हम ऑटो फिल करा देते हैं इस साइड में, तो ये भी सम निकल जाएगा इसका भी, और इसको भी क्लियर कर देते हैं। ठीक, अब सपोज करिए कि हम दुकान आज खोल रहे हैं, तो आज का सेल होना चाहिए। ठीक है, तो पहला आइटम मान लो 60 रुपए का बिका, फिर ये बचा बिका 65 का, ये बिका 87 का, ऐसे करके कुछ आइटम सेल हो रहे हैं। ठीक है, ये जीरो रह गया, ये जीरो रह गया, जितना शो हो रहा है उतने को ही रखते हैं, बाकी को डिलीट कर देते हैं, 10 ही आइटम रखते हैं ना। तो ये मेरा टुडे का सेल रहा, जिसमें दो आइटम मेरे जीरो जीरो हो गए। ठीक है, नई सेल हुआ। अब टोटल सेल क्या होगा? टोटल सेल का मतलब ये हो गया कि बीते हुए कल का सेल और आज का सेल इक्वल टू टोटल सेल, नहीं नहीं होगा, तो हम बोलते हैं इक्वल टू, सम भी लगा सकते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं ये प्लस ये, नहीं तो ये हो गया टोटल सेल, करेक्ट। ठीक है, ये आज का काम हो गया, यहां तक कोई दिक्कत? हमने क्या किया, तीन चार कॉलम बनाया, सीरियल नंबर, प्रीवियस सेल, टुडे सेल, टोटल सेल। यहां पे हमने प्लस करा दिया, सम करा दिया प्रीवियस सेल को, यहां पे टोटल सेल, टुडे सेल को, और यहां पे टोटल सेल को। ठीक है, और इसमें हमने इसको और इसको प्लस करा करके यहां रख दिया, प्रीवियस सेल और टोटल सेल को, आइटम वाइज क्लियर हो गया। ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं। अब हम कल आते हैं, जैसे आज तो दुकान क्लोज हो गई, अब हम कल आएंगे, तो अब कल आएंगे तो क्या होना चाहिए? कल आएंगे तो हमारा सेल होगा, फिर से सेल होगा। अब जब सेल होगा तो हम सेल को कहां एंट्री करेंगे? कल का सेल आज खत्म हो गया, आज शॉप बंद हो गई, कल जब हम आएंगे, सपोज करो कि हम आ गए, अब आज का सेल का एंट्री हम कहां करेंगे? टुडे में ही करेंगे ना, क्योंकि आज का सेल का एंट्री तो टुडे में ही होना है, लेकिन यहां पे तो ऑलरेडी टुडे में कुछ आइटम पड़ा हुआ है, तो करना क्या होगा? करना यह होगा कि इसको डिलीट करना होगा, क्लियर करना होगा। ठीक है, ओके, पहली चीज तो यह कि इसको क्लियर करना है। दूसरी चीज कि जो ये टोटल सेल है, ये टोटल सेल यहां से उठे और कहां चला जाए? प्रीवियस सेल में। फिर आज का सेल यहां डालेंगे तो ये दोनों ऐड होकर टोटल सेल बन जाएगा, करेक्ट कि नहीं? समझ में आ रहा है? यह करके दिखाएं पहले, देखो यहां पे जीरो है, यहां पे 60 है, यहां पे भी 60 है। ठीक है, अब ऐसा मान लो। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कंट्रोल एक्स, यहां पे आके कहते हैं कंट्रोल वी, और इसको कर देते हैं डिलीट। अगर ये सम है
यही काम किया ना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं कंट्रोल एक्स, यहां पे आके कहते हैं, यहां पे देखिए चूंकि फार्मूला से ये वैल्यू बना है तो यहां पे आपको कहना होगा पेस्ट वैल्यू, क्यों नहीं आ रहा है, कंट्रोल सी, ये आ गई पेस्ट वैल्यू है, दिख रहा है कहीं पे, ये पेस्ट वैल्यू, ठीक है, और इसको कर देना होगा डिलीट, ठीक है। अब अगर हम यहां पे फिर से 60 डालते हैं आज का सेल, तो टोटल 120 हुआ। अब फिर क्या हुई, 120 उठ के कहां आ जाए, यहां आ जाए और ये क्लियर हो जाए और यही कंटिन्यू चलता रहे, नहीं समझ में आया। फिर से इसको कॉपी करते हैं, अभी टोटल 120 हुआ है ना, फिर से इसको कंट्रोल सी किया, यहां आए, यहां पे कहते हैं पेस्ट वैल्यू और इसको डिलीट कर देते हैं। फिर से मान लो आज 10 पीस सेल हुआ तो टोटल 130 हो गया, फिर इसको उठाया कॉपी, यहां आ गए पेस्ट वैल्यू और इसको डिलीट कर दिया। फिर आज मान लो 20 सेल हुआ तो टोटल 150 हो गए, फिर इस क्या किया, इसको कॉपी किया, यहां आ गए पेस्ट वैल्यू और इसको क्लियर कर दिया। बात समझ में आ गई, यही काम हमको यहां पे करना है, इसको उठाना है, यहां ले जाना है और इसको क्लियर कर देना है, क्लियर हो गई बात। अब यही चीज हमको बार बार रिपीट करना है, बार बार करना है, तो बार बार रिपीट करने वाली अगर बात है तो फिर हम यूज करेंगे मैक्रो का, ठीक है। तो चलते हैं व्यू में, व्यू में आके कहते हैं मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, और यहां पे हम कहते हैं ठीक है कल चढ़वा लें, यहां पे एक नाम देना पड़ेगा हमको, क्या नाम देते, मूव, कुछ भी नाम दे सकते हो, बस स्पेस ही नहीं होना चाहिए, याद रहे। और उसके बाद इसका एक शॉर्टकट बना देते हैं के, अच्छा इसमें आपको बड़ा और छोटा बताए थे ना, तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ लेगा, नहीं तो फिर ले लेगा कंट्रोल के साथ, कैप्स लॉक में रखोगे तो शिफ्ट कंट्रोल आएगा, ओके। तो हमने कहा ओके, कंट्रोल प्लस के हमने बना लिया इसके शॉर्ट की, और यहां देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब हमको क्या करना है, हमको करना यह है, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, ठीक है, यहां आ गए, और आपको अभी हमने क्या बताया, चूंकि ये वैल्यू बना है फार्मूला से तो आपको करना पड़ेगा पेस्ट वैल्यू, ठीक है, पेस्ट वैल्यू कर दिया और इसको हमने कर दिया क्लियर, डिलीट कर दिया, हो गया काम, ठीक है। मैक्रो को स्टॉप कर देते हैं, इतना ही काम करना था, स्टॉप मैक्रो, ठीक है। अब आज की वैल्यू हम डाल देते हैं, मान लीजिए 40, 35, 44, 32, 44, 100, 100, 35, 22, ओके। अब हमको क्या चाहिए, अब आज का सेल हो गया, अब हम कल आएंगे तो कल हमको क्या चाहिए, ये वाला वैल्यू उठ के यहां जाए और ये क्लियर हो जाए, यही ना। तो हमने कहा कंट्रोल के, काम हो गया, अब हम यहां पे एंट्री कर सकते हैं फिर से, समझ में आ गई बात, रिकॉर्ड माइक्रो क्लियर हो गया, नहीं फिर से डालते हैं 100। तो आज का सपोज करिए कि 100 सेल हुआ है तो अब 200 हो गया टोटल, फिर से हमने कहा कंट्रोल के तो 200 इधर आ गया और ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अपने वर्कशीट में जो आपने वो कराया था, जो नाम वगैरह थे या जो आइटम था उसको क्लियर करा लेना, ठीक है, कोई इशू यहां तक।